आज सबसे पहले खबर खेल से जुड़ी हुई, खिलाड़ियों की दशा से जुड़ी हुई। आज भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस है, लेकिन रांची में इस मौके पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय एथलीट सड़कों पर जूते पॉलिश कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, रिक्शे खींच रहे हैं। सीने पर दर्जन भर मेडल जरूर है, लेकिन आंखों में मायूसी और आंसू भरे हुए हैं। ये सरकार की खेल नीति से दुखी है, हताश है। इन्हें नौकरी की तलाश है और कई मेडल जीतने के बाद भी इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही। खेल दिवस पर एक तरफ राष्ट्रीय सम्मान के तौर पर आज 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ रांची के इन खिलाड़ियों के दुख कब दूर होंगे ये कोई नहीं जानता। और ये अपना विरोध जता रहे हैं सड़कों पर झाड़ू लगाकर, जूते पॉलिश कर और यहाँ पर रिक्शे चलाकर। इनमें बहुत से एथलीट हैं जो कि देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन देश के लिए मेडल जीतने के बाद नौकरी के वादे बहुत हुए, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हो पाए, परवान नहीं चढ़ पाए, और ऐसे में इनकी उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं। माँ बाप पे कब तक बोझ रहेंगे हम? कौन माँ बाप नहीं चाहता कि अपनी बेटे का बेटी का शादी करे? हाँ, गरीब घर में भी जितना औकात है वो कर देंगे, ऐसा थोड़ी कि वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन क्यों हम अपने पैर पर, जब स्टेट के लिए हम अपना सारा मेहनत हिम्मत सारा चीज लगा दिए हैं, तो हम घर वाले पे अब क्यों बोझ बनेंगे? जब सरकार अगर नीति बनाती है तो उस नीति पे उनको अमल करना चाहिए ना। हर दिन नीति बदलता है, क्यों बदलता है? सिर्फ खिलाड़ी के लिए सौतेला व्यवहार क्यों? मेरी आंखें इसलिए भर रही है कि 6-7 साल से मैं लॉन बॉल खेल रही हूँ और बहुत मेडल जीता, बहुत मेहनत किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीपीएड करके आई, लेकिन खेल में अपना सारा समय लगाया, लेकिन आज नौकरी नहीं मिल रहा है। बस सरकार से यही बोला है कि अगर नहीं देना था तो वादा क्यों किया। बस तो लॉन बॉल की कुछ एथलीट यहाँ पर आंसू भरे आंखों में भरकर यहाँ जवाब मांग रही हैं कि जब नौकरी नहीं देनी थी तो वादे क्यों किए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चल सकते हैं फोन लाइन पर मौजूद अपने संवाददाता विमल मोहन के पास। विमल, बहुत वाजिब सवाल ये सवाल एथलीट उठा रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं देनी थी तो इस तरह के वादे क्यों किए जाते हैं? ये खिलाड़ी जो कि देश के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं, अगर इन्हें सांकेतिक विरोध के तौर पर यहाँ झाड़ू लगानी पड़ रही है, जूते पॉलिश कर विरोध जताना पड़ रहा है, तो ये वाकई शर्म की बात है हमारी खेल नीति के लिए? बिल्कुल शर्म की बात है। और इस तरह की, दरअसल ये हिंदुस्तान की खेलों की हकीकत है। ये सांकेतिक रूप से जरूर ऋचा झाड़ू लगा रहा है, लेकिन मैं ऐसे कई प्लेयर्स को जानता हूँ जो नेशनल लेवल में, आप केरला के कई प्लेयर्स हैं जिनकी, जो नेशनल लेवल पे मेडल जीत चुके हैं, नेशनल गेम्स में मेडल जीत चुके हैं, लेकिन उनकी मदर हाउस मेड है, पूछा लगाती हैं, और कई प्लेयर्स ने उनको पैसे इकट्ठा करके दिए। ये जो लॉन बॉल्स के प्लेयर हैं, इनमें शायद अभी हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बातचीत हुई थी, सिर्फ शायद एक या दो खिलाड़ियों के पास नौकरी है। आप विमेन्स रेसलिंग टीम की ले रहे हैं तो जो विनीश है, जिन्होंने अभी नाम कमाया, शोहरत कमाया, उसके बाद उनको नौकरी मिली है, ज्यादातर खिलाड़ियों के पास नौकरी नहीं है। इसमें सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो भी बहुत बेरुखा व्यवहार करता है। जब कोई खिलाड़ी बनने लगता है तो उसके ऊपर मेडल्स दे देते हैं या उसको पैसे दे देते हैं, उसको सम्मानित करते हैं और बेसिकली अपनी जो कंपनी का जो प्रचार है वो करते हैं। तो जो हिंदुस्तान में वाकई जो खेलों की हकीकत है, क्योंकि अगर खेल अगर स्टार्ट करना, आप जिम्नास्टिक टीम देखिए, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है दीपा कर्माकर की, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम उन्होंने किया, पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 5 लोगों ने किया, उसके बावजूद सिर्फ एक लड़की के पास वहां नौकरी, बाकी लड़कियां। और जब आप जिम्नास्टिक या इन खेलों में आते हैं, आप उस उम्र में आते हैं जहां पे आपको पढ़ाई करनी होती है, तो आप अपना ज्यादातर समय पढ़ाई छोड़कर आप इस खेल पर लगाते हैं, और उसके बाद जाहिर तौर पर आपके साथ सौतेला व्यवहार होता है, आपके पास नौकरी नहीं होती है। कॉरपोरेट सेक्टर सिर्फ अपना फायदा देखता है, उनको जो सरकारी नियम कायदे। कॉर्पोरेट सेक्टर पर तो दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर रांची में ये सब कुछ हो रहा है तो क्या झारखंड सरकार से भी ये लोग उदासीन हुए हैं? झारखंड सरकार भी क्या इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? देखिए, ये स्टेट सब्जेक्ट जरूर है और सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप एक वेट लिफ्टर की भी एक ऐसी कहानी थी कि उनको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उनको मकान के लिए कहा और अब तक उनको कोई मकान अलॉट नहीं हुआ है। तो झारखंड सरकार की जाहिर तौर पर जिम्मेदारी बनती है, स्टेट सब्जेक्ट ये है, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर पर भी दबाव बनाया जा सकता है। जब जिस तरीके की बात वो लोग करते हैं, जब आप अपना सिर्फ प्रचार देखते हैं, तो आप सिर्फ लोगों को समझना चाहिए, उस तरह की सही रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि आप अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं, आप सेंड ऑफ करते हैं खिलाड़ियों का,
इससे सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर हम सबकी जिम्मेदारी है। और जाहिर तौर पर अगर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के खिलाड़ी हैं और अगर स्टेट या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करते हैं, आपसे वादा करते हैं, तो उससे आप नाम कमाने के लिए ना करें, क्योंकि उससे खिलाड़ियों का भी नुकसान होता है और खेल का भी नुकसान होता है। जी विमल, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक्स जैसे खेलों में, एशियाड जैसे खेलों में भारत उम्मीद से कम प्रदर्शन करता है, तो क्या भारत की खेल नीति और खिलाड़ियों को लेकर सरकार के कॉर्पोरेट्स के उदासीन रवैये को भी जिम्मेदार माना जाए? जो सुविधाएं इन लोगों को मिलनी चाहिए और संसाधनों की जिस कमी के बीच ये लोग खुद को तैयार करते हैं, उसके चलते भी कहीं कमी रह जाती है, उसके चलते भी वो सितारे हम तैयार नहीं कर पाते जो कि कर सकते हैं, जितना मादा है उससे कम। जी बिल्कुल, देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी जो भी खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं हमारे यहाँ, वो मतलब जाहिर तौर पर मैं मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो जीतता है ओलंपिक्स में अगर कोई मेडल जीतता है, उनमें से ज्यादातर खिलाड़ी इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनमें इंडिविजुअल जीनियस है। हम साई की स्पोर्ट्स अथॉरिटी की एक पॉलिसी है जिसके तहत कुछ खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, लेकिन आप खिलाड़ियों से आप सही कह रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर खिलाड़ी जीतते हैं तो वो उनके इंडिविजुअल क्षमता है, उनकी अपनी क्षमता है जिसकी वजह से वो जीतते हैं, ना कि सरकार की तरफ से मिली मदद की तरफ से। लेकिन सरकार को भी इन खिलाड़ियों की तरफ देखना चाहिए और उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए ताकि और खिलाड़ी आगे आएं और खेलों में देश का नाम रोशन करें।